अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को कार्मिक विभाग के तत्वाधान में मुख्यालय गोरखपुर एवं तीनों मंडलों प्रमुख स्टेशनों प्रशिक्षण केंद्रों तथा डीजल लॉबी में योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रमुख विभागाध्यक्षों महिला कल्याण संगठन की सदस्यों एवं वरिष्ठ रेल अधिकारियों एवं उनके परिजनों ने योगाभ्यास किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाप्रबंधक रेलवे द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर रेल अधिकारियों कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों ने बड़े पैमाने पर भाग लेकर कुशल योग प्रशिक्षकों की देखरेख में योगाभ्यास किया। योग प्रशिक्षक नेहा पटेल संजय पांडे एवं शंकर झा ने योग का डिमोंस्ट्रेशन किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक विनय त्रिपाठी ने कहा कि योग से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और व्यक्ति तनाव मुक्त होकर अपने कार्यों को संपादित करता है। वर्तमान परिवेश में योग को आवश्यक बताते हुए उन्होंने कहा कि रेलकर्मी योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाकर अपने को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हुए निर्बाध रेल संचलन में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, हमारा बहुत शुक्र है, हम अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। शारीरिक रूप से हमारी एक्टिविटीज अलग होती हैं, मानसिक रूप से अलग होती हैं, बौद्धिक रूप से अलग होती हैं। इन सभी एक्टिविटीज में सभी क्रियाकलापों में एक संतुलन जो आती है उसका नाम योग, उसका नाम योग है। तो हमारी चिंता को हमारी आत्मा के साथ हमारे शरीर को जो जोड़ते हैं, हमारी भावनाओं के साथ हमारे मन को जो जोड़ते हैं, हमारी बुद्धि के साथ हमारी घुटने को सीधे चलाना है, रिवर्स अपोजिट जैसे सर करना है, बिल्कुल करेक्ट पोजीशन है। ऊंट की तरह कैमल जैसे होता है ना, ये बीच हमारे ऊपर जब उठेगी तो घुटने सीधे चल जाएगी और फिर सांस छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को यानी जमीन के टच कराएं। आप अपने नाभि को जमीन से छुवाने की कोशिश करें। इस तरह के छोटे मोटे धर्म बढ़ सकता है। अच्छा, इसी पोस्चर में जैसे शिशु होता है ना, शिशु आसन, हाँ बच्चे बन जाए कभी कभी जिसको हमने खो दिया। यस, बहुत ही आरामदायक आसन है और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हुए हाथों को सामने लाना, हिप को पीछे की तरफ, हिप को अपने एंकल्स करके हिलों के सामने आ जाए, एक तरफ हो जाएंगे, एक हाथ ऊपर और एक हाथ का नीचे, बायां हाथ आप अपने पंजों के पास ले आइए, सीधी है, सारा खेल स्पाइन का ही है।
इसी तरह से इसी पोस्टर और एड़ियों को पकड़ जो आपसे हो सकता है इजीली हो सकता है और दोनों हाथों को चलाना शुरू बटरफ्लाई जिसको बोलते हैं पद्मासन। तो इससे आप कुर्सी पर बैठते हैं या सोते हैं या कुछ भी करते हैं पकड़न पकड़ नहीं है करेक्ट है इसको। अच्छा जिसका नहीं मानी तो सीधा रखेगा एड़ी कट्टी को नहीं छुपाना करीब करीब को आओ एक चक्का लगाते हैं इसके लिए कपड़ा आज सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया रेलवे में। सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में महाप्रबंधक महोदय के साथ साथ सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष उनके परिजन आज इस योग अभ्यास में शामिल हुए। साथ ही साथ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हम लोगों का वहाँ पे रेल कर्मियों और उनके स्वजनों के लिए तथा अन्य अधिकारी जनों के लिए वहाँ पर योगाभ्यास के की व्यवस्था की गई थी। वहाँ प्रशिक्षण देने वाले जो योग गुरु थे उन्होंने प्रशिक्षित किया लोगों को। उन्होंने बताया कि योग को अपने लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाएं। साथ ही साथ पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो लगभग सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जैसे गोरखपुर लखनऊ जंक्शन मड़ुआडीह वाराणसी सिटी मऊ खलीलाबाद बस्ती गोंडा इत्यादि सभी बड़े स्टेशनों पर योगाभ्यास रेलकर्मियों द्वारा किया गया। उसमें यात्रियों ने भी हिस्सा लिया। कई जगह पर प्लेटफॉर्म्स इत्यादि पर भी योगाभ्यास आज लोगों ने किया। योग हम सभी लोगों को अपने जीवन के दिनचर्या में शामिल करने की आवश्यकता है। इस संबंध में निरंतर रेलवे सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कर रहा है जागरूकता बढ़ा रहा है। एक ई ब्रोशर महाप्रबंधक महोदय के मैसेज के साथ जारी किया गया है जिसमें सभी रेल कर्मियों के लिए संदेश है कि योग को अपने जीवन का एक नियमित अंग बनाएं जिससे कि निरोगी रह सकें और स्वस्थ रह सकें और रेलवे में बेहतर कार्य करते हुए देश के प्रति अपना योगदान दे सकें।